देखिए 5 इंच का हम बकरम ले लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे एक निशान उठा लेते हैं। दोस्तों ये 14.5 का कॉलर है, यहाँ से आपको 1/2 इंच पे एक निशान उठाना है और यहाँ पे हम 7.25 पे रखेंगे। 14.5 का आधा करेंगे तो 7.25 इंच आएगा, तो यहाँ पे निशान उठा लेते हैं और यहाँ पे हम 2 सूत पे एक निशान उठा लेते हैं। ये हमें गोलाई देने में आपको अच्छी रहेगी। और इसके बाद देखिए, और ये स्केल को हम इस तरीके से स्केल के मदद से हम शेप लगा लेंगे गोलाई में हल्का, और इसके बाद यहाँ से हम इस तरीके से स्केल रखेंगे और इसको हम शेप पट्टी की मदद से इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, हल्का सा गोलाई में रहेगा और इस थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। देखिए, और यहाँ से हम रखेंगे 7.25 इंच पे और 1 इंच प्लस करेंगे, और यहाँ से रखेंगे 1.25 इंच पे हम, और यहाँ से रखेंगे हम 1.25 इंच पे, और यहाँ से भी 1.25 इंच पे रखेंगे। ये दोनों बराबर रहता है 3 इंच तक, और इसके बाद हम इसको मार्किंग कर लेते हैं शेप पट्टी के द्वारा। अच्छे से मार्किंग करें दोस्तों, और इसको हम शेप पट्टी की मदद से शेप लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, और यहाँ से हम 1/2 इंच पे इस तरीके से छोटा करके मार्किंग करेंगे हम, थोड़ा क्रॉस रहेगा इस तरीके से, और यहाँ से आपको रखना है 1.25 इंच पे एक निशान उठा लेना है और यहाँ पे 1.75 इंच पे एक निशान उठा लेना है। देखिए दोस्तों, ये फुल कॉलर कटिंग है। यहाँ से हम क्रॉस में मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे राउंड स्केल की मदद से हम इसको शेप दे देंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से रखना है आपको 1.25 इंच पे, और यहाँ से रखना है 1.75 इंच पे, और यहाँ से रखना है 1.5 इंच पे, और यहाँ से रखना है 1.75 इंच पे। देखिए हमारा कॉलर 14.5 इंच है, डिवाइड 2 का करेंगे तो 7.25 इंच आएगा, प्लस 1 इंच कर देंगे। और देखिए अभी हम कटिंग कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बटन प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा ऐसे ही पहुँचती रही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो लाइक कर दे, वरना डिसलाइक कर दे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों देखिए, दोस्तों हम कटिंग कर चुके हैं, यहाँ पर कुटका लगा लेते हैं, यहाँ पर भी कुटका लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम कॉलर कटिंग पूरा कर चुके हैं,